गरीब माँ की बेटी के जादुई लंबे बाल। ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां सुषमा अपनी बेटी नंदिनी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। और वहीं एक दिन सुषमा अपने घर के बाहर बैठकर अपनी बेटी नंदिनी को देख रही थी, क्योंकि उसकी बेटी नंदिनी दिखने में जितनी सुंदर थी उतना ही सुंदर उसका मन भी था। वो गांव में हर किसी की मदद किया करती थी, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, जिस वजह से सुषमा को अक्सर अपनी बेटी नंदिनी की चिंता लगी रहती थी। इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है, नंदिनी बेटा, आजकल की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, और इतनी जल्दी लोगों पर भरोसा करना अच्छी बात नहीं है बेटा। तू क्यों हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है? तुझे पता है ना, इस दुनिया में गरीबों का कोई नहीं होता। माँ, इस दुनिया में चाहे कोई अमीर हो या गरीब, है तो आखिर सब इंसान ही ना। तो फिर हम एक इंसान होकर दूसरे इंसान की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और वैसे भी मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। तेरे इस विचार को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटी, लेकिन पता नहीं क्यों मन ही मन एक डर भी लगता है, क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलबी है और यहाँ कोई किसी का नहीं होता बेटा। ऐसे में कोई मेरी बेटी की सादगी और अच्छेपन का फायदा ना उठा ले, मुझे तो बस इसी बात की चिंता लगी रहती है। अरे माँ, क्या हुआ, आप कुछ भी बोल रही हो? अरे नहीं बेटी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। और ये क्या, तूने पूरा आंगन अकेले ही साफ कर लिया? अरे मुझे भी कुछ करने दे दिया कर, मैं क्या बस दिन भर ऐसे ही बैठी रहूंगी। अरे माँ, मेरे रहते अगर आपको काम करना पड़े तो फिर मेरे रहने का फायदा ही क्या है, इसलिए अब आप ये सब छोड़िए और चलकर खाना खा लीजिए। अपनी बेटी की ये बात सुनकर सुषमा को बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे ही समय बीतता रहता है। तभी एक दिन जब नंदिनी अपने घर के बाहर बैठी होती है, तभी देखती है कि एक गरीब बूढ़ी औरत, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही थी और उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हैं, उसके घर के सामने से जा रही थी। नंदिनी उस बूढ़ी औरत को देखकर उसे रोकती है और कहती है, अरे अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? रुकिए, मुझे पता है आपने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर नंदिनी अपने घर में जाती है और अपने हिस्से का बचा हुआ खाना लाकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत आंखों में आंसू लिए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुम सच में बहुत अच्छी हो, वरना इस दुनिया में तो हर कोई बस अपने लिए जीता है। मैंने यहाँ पर हर किसी से मदद मांगने की कोशिश की, पर किसी ने भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर तुमने बिना कहे मेरे दिल की बात जान ली। सच में तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है बेटी। ऐसी कोई बात नहीं अम्मा, ये तो बस मेरा फर्ज था, और आगे भी कभी आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताना। अच्छा बेटी, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है, और उस बूढ़ी औरत की मदद करके नंदिनी को भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जिस तरह नंदिनी पूरे गांव में सबसे ज्यादा दयालु थी, उसी तरह नंदिनी उस गांव की सबसे ज्यादा खूबसूरत और लंबे बालों वाली लड़की भी थी, जिस वजह से गांव की सभी लड़कियां नंदिनी से बहुत ही ज्यादा जला करती थी। और उसी में से एक दिव्या नाम की लड़की भी थी, जो कि नंदिनी की बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी। वो हमेशा नंदिनी के लंबे बालों की तारीफ किया करती थी और मन ही मन उससे जलन भी किया करती थी। तभी एक दिन, अरे नंदिनी, क्या बात है, आज तो तेरे बाल और भी ज्यादा लंबे और चमकदार लग रहे हैं, इसलिए नंदिनी तू मुझे भी बताना, तू अपने बालों में क्या लगाती है, ताकि मैं भी अपने बालों में लगा सकूं और मेरी बाल भी तेरी तरह ही लंबे हो जाए। अरे दिव्या, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, मैं अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाती, और वैसे भी हम गरीब माँ बेटी दो वक्त की रोटी खा ले, हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे में मैं इतने महंगे महंगे शैम्पू कैसे खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं अपने बाल को मुल्तानी मिट्टी से धोती हूँ।
नंदिनी की ये बात सुनकर दिव्या मन ही मन सोचती है, ये नंदिनी की बच्ची तो एक नंबर की झूठी है, कभी भी अपने बालों का राज किसी को नहीं बताती है। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब इस नंदिनी की बच्ची को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत घमंड है ना इसे अपने लंबे बालों पर, अब पता चलेगा इसको। इतना कहकर दिव्या कुछ दिनों बाद नंदिनी के घर आती है और उससे कहती है, अरे नंदिनी ये ले, तूने कहा था ना तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू शैम्पू खरीद सके, इसलिए मैंने खास ये शैम्पू तेरे लिए मंगवाया है, इससे तेरे बाल और भी ज्यादा सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, तुम मेरी सच में बहुत ही अच्छी दोस्त हो। और ऐसे ही अगले दिन नंदिनी दिव्या का दिया हुआ शैम्पू लेकर अपने बालों में लगाती है। वैसे ही उसके सारे बाल एक एक करके झड़ने लगते हैं और देखते ही देखते नंदिनी पूरी तरह से टकली हो जाती है। ये देखकर नंदिनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, माँ माँ, ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे सारे बाल झड़ गए माँ, और मैं गंजी हो गई, अब मैं क्या करूँ, कैसे गांव वालों को अपनी शक्ल दिखाऊं, सब लोग अब मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम बाजार से बाल बढ़ाने वाला कोई तेल ला सके। अपनी बेटी की ये हालत देखकर सुषमा को बहुत ही बुरा लगता है और वह उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नंदिनी को अपने बाल झड़ जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो अपने घर से बाहर निकलना भी बंद कर देती है। तभी कुछ दिनों बाद वो बूढ़ी औरत फिर से एक बार नंदिनी के घर के पास आती है और कहती है, अरे बेटी घर में कोई है? उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर नंदिनी जैसे ही घर से बाहर आती है तो उसका उतरा हुआ मुंह देखकर वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, आज तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो, और ये क्या तुम्हारे लंबे और सुंदर बाल, तुम्हारे बाल कहाँ चले गए? उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर नंदिनी रोते हुए उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत अपनी थैली में से कुछ जड़ी बूटियाँ निकालते हुए कहती है, ये लो बेटी ये कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, तुम आज रात इन्हें पीस कर अपने सर पर लगा लेना, फिर देखना तुम्हारे इस खाली सर पर तुम्हारे बाल फिर से लहराने लगेंगे, और ये कोई मामूली बाल नहीं होंगे, तुम्हारे वो बाल तुम्हारी हर तरह से सहायता करेंगे। उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर नंदिनी को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन नंदिनी को उस बूढ़ी औरत की बातों पर विश्वास जरूर होता है, इसलिए वो उन जड़ी बूटियों को ले जाकर रात होते ही उन्हें पीसकर अपने सर पर लगा लेती है, जिसके बाद देखते ही देखते नंदिनी के सर पर लंबे घने बाल आ जाते हैं, और ये देखकर नंदिनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी जैसे ही नंदिनी खाना बनाने के बारे में सोचती है, वैसे ही उसके बाल अपने आप ही खाना बना देता है, और ये देखकर नंदिनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी उसे उस बूढ़ी औरत की बातें याद आती है, जिसके बाद नंदिनी समझ जाती है कि उसके ये बाल कोई मामूली बाल नहीं बल्कि जादुई बाल है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है और कहती है, अरे ये क्या नंदिनी बेटा, कल तक तो तेरे सर पर एक भी बाल नहीं थे, फिर आज अचानक से तेरे सर पर इतने लंबे घने बाल कहाँ से आ गए? अपनी माँ की ये बात सुनकर नंदिनी उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद उसकी माँ कहती है, चलो शुक्र है उस बूढ़ी अम्मा का जिसने तेरी इतनी मदद की, आखिरकार तेरी लोगों को मदद करने का फल तुझे आज मिल ही गया। और इस तरह जादुई बालों की वजह से नंदिनी को अब किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होती है, और उसके जादुई बाल उसके बिना कहे ही उसके सारे काम अपने आप कर देता है, और नंदिनी को अब फिर से इतना खुश देखकर और उसके लंबे बालों को देखकर गांव की सभी लड़कियां हैरान हो जाती है, और साथ ही साथ दिव्या को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो नंदिनी से अपने किए की माफी मांगती है, जिसके बाद नंदिनी उसे माफ कर देती है, और अब फिर से नंदिनी गांव वालों की मदद करने लगती है और अपनी जिंदगी में जादुई बालों की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। सौतेली बेटी और जादुई लिपस्टिक का पेड़,
अरे ओ करमचली, कहाँ मर गई? आज घर में खाना भी बनेगा या मैं भूखे ही मरने का इरादा है? सौतेली माँ के इतना चिल्लाने के बाद भी तुलसी के कमरे से कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद तुलसी की सौतेली माँ बिमला उसके कमरे में जाती है, जहाँ तुलसी जमीन पर सो रही होती है। बिमला गुस्से से उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देती है, जिससे तुलसी की नींद खुल जाती है। माँ, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरा पूरा बिस्तर खराब कर दिया। कमीनी, एक घंटे से बाहर चिल्ला रही हूँ और तू यहाँ आराम से घोड़े बेच कर सो रही है। माँ, वो दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए आँखें नहीं खुली। बहुत अच्छा बहाना बनाया है तुमने, लेकिन ये सब नौटंकी यहाँ नहीं चलेगा। अब जल्दी से उठ और जाकर हम सब के लिए खाना बना, समझी? ठीक है माँ। तभी तुलसी की सौतेली बहन तानिया कहती है, माँ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुनाई दिया तुम्हें? मेरी बेटी के सर में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से जा और सबसे पहले उसके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर ले आ। तुलसी किसी तरह से किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी तुलसी के पिता त्रिपुरारी वहाँ पर आते हैं। अरे बेटी, तुम इतनी गर्मी में रसोई में क्या कर रही हो? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अरे बिमला, तानिया, कहाँ हो तुम लोग? अरे क्या हुआ, क्यों अपना गला फाड़ रहे हो? कोई आसमान टूट पड़ा है क्या? अरे बिमला, उसी की तबीयत खराब है, कम से कम आज उसे आराम कर लेने देती। देखो तो उसे कितना बुखार है। बुखार उखार कुछ नहीं है, सब काम ना करने के बहाने हैं। और तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी काम से कैसे वापस आ गए? मेरा काम छूट गया। बस यही सुनना बाकी रह गया था। कितनी मुश्किल से मेरे भाई ने तुम्हें ये जॉब दिलवाई थी, लेकिन तुम्हारे बस का वो भी नहीं रहा। अरे कब तक मेरे भाई के टुकड़ों पर पलते रहोगे? बस करो बिमला, तुम्हारा भाई जिस फैक्ट्री पे अपना हक जमा कर बैठा है वो मेरा ही है। वो सब छोड़ो और जाकर खाना बना लो। तुलसी बेटी चल मेरे साथ, मैं तुम्हें दवाई दिलाकर लाता हूँ। तबीयत तो मेरी बेटी तान्या की भी खराब है, सुबह से ही उसके सर में दर्द है, लेकिन तुम्हें उससे क्या? तुम्हें तो बस अपनी इस मनहूस बेटी की परी है ना? लेकिन मेरी बात भी कान खोलकर सुन लो। अगर इस घर में रहना है तो तुम दोनों को मेरे हिसाब से रहना होगा, जैसा मैं कहूँगी वैसा करना होगा। तुलसी तू कहीं नहीं जाएगी, थोड़ा घर का काम करेगी तो तबीयत अपने आप सही हो जाएगा। और तुम जाकर अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढो, सबको बस मुफ्त में खाने की बीमारी लग गई है। त्रिपुरारे को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अपनी बेटी तुलसी से बहुत प्यार करता था और उसी की खातिर उसने बिमला से दूसरी शादी की थी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। यही सोच सोच कर त्रिपुरारी बीमार रहने लगा। त्रिपुरारी का देख रेख करने वाला भी तुलसी के सिवा वहाँ कोई नहीं था। तुलसी पूरे दिन घर का काम करती, उसके बाद का समय वो अपने पिताजी की सेवा करती। एक दिन त्रिपुरारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बेटी, लगता मेरा अंतिम समय आ गया है। बेटी, मेरे जाने के बाद बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना बेटी, याद रखना खाली अंधेरी रात के बाद एक अच्छा सवेरा जरूर आता है। इतना बोलकर त्रिपुरारी ने अंतिम सांस ली। पिता की मृत्यु के बाद बिमला और तान्या का अत्याचार तुलसी के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन तुलसी चुपचाप उन सबके अत्याचार को सहते रहती है। एक दिन तान्या तुलसी से कहती है, सुन मनोज, तेरे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। कल शाम को इस गांव के सबसे बड़े जमींदार जी अपने बेटे के लिए मुझे देखने आ रहे हैं। तान्या, ये तो बहुत खुशी की बात है और ये तो बहुत अच्छी खबर है। नहीं, ये अच्छी खबर सिर्फ मेरे लिए है, तुम्हारे लिए तो ये बुरी खबर ही है, क्योंकि मेरी माँ तुम्हारी शादी तो करवाने वाली नहीं है, इसलिए तुम्हें अपना पूरा जीवन यहीं रहकर मेरी माँ की सेवा करनी है, समझी? तू हमेशा से ही इस घर की सिर्फ एक नौकरानी थी और नौकरानी ही रहेगी। आई बड़ी खुश होने वाली। इतना बोलकर तान्या वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बिमला तुलसी से कहती है, अरे ओ मनुष, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ मर गई। जी माँ। मेरी बात को ध्यान से सुन, शाम को जमींदार जी मेरी बेटी तान्या को देखने आ रहे हैं, तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दे और सबके लिए खूब बढ़िया बढ़िया पकवान और नाश्ते का भी इंतजाम कर दियो, समझ गई? तब तक हम दोनों माँ बेटी पार्लर से तैयार होकर आते हैं।
ठीक है माँ। देखिए जी, मैं अपने इकलौते बेटे के लिए सुशील और संस्कारी लड़की चाहिए जो मेरे घर को अच्छे से संभाल सके। जी, आप जो ढूंढ रहे हैं वो सारा गुण मेरी बेटी में है। आज आप लोग आने वाले थे ना, इसलिए सुबह 4 बजे ही उठकर घर का सारा काम किया है मेरी बेटी ने और सारा खाना भी उसी ने बनाया है। तभी वहाँ पर तुलसी सबके लिए खाना लेकर आती है। अरे खाइए खाइए और खाकर बताइए कैसा बना है। सब मेरी बेटी तानिया ने अपने हाथों से बनाया है। ये लड़की कौन है? अरे ये तो हमारे घर की नौकरानी है। नौकरानी? ए लड़की, तू अभी तक यहीं पर खड़ी है? जा जा यहाँ से और जाकर अपना काम कर। हाँ तो बताइए, रिश्ता पक्का समझे? तभी जमींदार और उसका बेटा आपस में कुछ बात करता है। नहीं नहीं, हमें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। हम जिस लड़की को आपकी बेटी समझकर यहाँ आए थे वो तो ये है ही नहीं। हम अभी चलते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद जमींदार और उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। माँ, ये सब इसकी वजह से हुआ है। जब तक ये मनु सबके सामने नहीं आई थी तब तक सब मुझे देखकर कितना खुश थे, और जैसे इस मनु ने यहाँ कदम रखा सब मुझे ना पसंद करके चले गए। जरूर इसी ने कुछ किया है माँ। कल मुही करम चली, क्या जरूरत थी तुझे सबको अपना सुंदर सा थोबरा दिखाने की? तू अपना मुंह ढककर भी तो आ सकती थी। हम मैं समझ गई माँ, कल मैंने इसे कहा था कि माँ तेरी शादी कभी नहीं कराएगी, इसी वजह से आज ये इतना सच सबर कर सबके सामने आकर मेरा रिश्ता तुड़वा दी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। और फिर उसके बाद बिमला कढ़ाई का गरम तेल लेकर तुलसी के मुंह पर डाल देती है, जिससे तुलसी का चेहरा पूरी तरीके से जल जाता है और वो दर्द से चीख पड़ती है। अब रोना धोना बंद कर और बाजार से जाकर सब्जी ले आ। तुलसी रोते रोते बाजार जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे जमींदार का बेटा मिलता है। सुनो, तुम वही हो ना जिसके लिए मैंने उस लड़की का रिश्ता ठुकरा दिया? मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था। आप गलत समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। मैं तो मामूली सी बदनसीब नौकरानी हूँ। किसके लिए तुम झूठ बोल रही हो और क्यों बोल रही हो? मैं जानता हूँ तुम बिमला की सौतेली बेटी हो और उन लोगों ने ही तुम्हारे साथ ये बदसुलूकी की है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, मेरी इस बदसूरती की वजह से ये समाज और आपके पिताजी कभी मुझे नहीं अपनाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। उसके बाद जमींदार तुलसी को अपने साथ एक जादुई अम्मा के घर ले जाता है। अम्मा, अम्मा ये देखिए, यही मेरी आने वाली पत्नी है। बहू बहू, तो चांद का टुकड़ा ढूंढा है तुमने बेटा, लेकिन ये क्या बेटी, तुम्हारे चेहरे को ये क्या हुआ? ये सुनकर तुलसी की आंखों में आंसू आ जाता है। रोते नहीं बेटी, अंधेरी रात के बाद ही सुबह आता है और तुम्हारी जिंदगी का भी अब सारा अंधेरा खत्म हो चुका है। ये देखो, ये जादुई लिपस्टिक का पेड़ है। तुम सच्चे मन से इस पेड़ से एक लिपस्टिक तोड़कर अपने होठों पर लगा लो, उसके बाद चमत्कार देखो। उसके बाद तुलसी जैसे ही उस जादुई पेड़ में से एक लिपस्टिक तोड़कर अपने होठों पर लगाती है, लिपस्टिक लगाते ही तुलसी पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। ये लो बेटी, ये एक डंडा है। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक ये डंडा तुम्हारी उस सौतेली माँ और तुम्हारी सौतेली बहन से तुम्हारी हिफाजत करेगा। उसके बाद जमींदार तुलसी से अपना रिश्ता पक्का करके तुलसी के घर से चला जाता है। तो ये कलमुही घर से बाहर जाकर जमींदार के बेटे के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। और मैं किसी भी हाल में तेरी उस जमींदार के बेटे से शादी नहीं होने दूंगी, समझी? जा और जाकर घर का सारा काम कर। तभी वो डंडा जोर जोर से दोनों माँ बेटी को मारने लगता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? अरे कोई रोको इसे। माँ माँ, इसे रोको, बहुत तेज लग रही है माँ। अगर अब से तुमने तुलसी को परेशान किया तो तुम दोनों की खैर नहीं।
अभी से शादी होने तक तुलसी घर का कोई काम नहीं करेगी और घर का सारा काम तुम दोनों करोगी, तुम दोनों समझी? नहीं, हाँ करूंगी। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। हाँ मैं भी करूंगी, मैं अब तुलसी को कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो। उसके बाद कुछ ही दिनों में जमींदार के बेटे के साथ तुलसी की शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। गरीब की जादुई सोने की सैंडल। एक गांव में मीना अपनी सौतेली माँ उर्मिला के साथ रहती थी। क्योंकि मीना की माता का कुछ सालों पहले एक कार एक्सीडेंट से निधन हो गया था और तभी मीना के पिता दीपक उर्मिला नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लेता है और तभी से मीना अपनी सौतेली माँ और उर्मिला के साथ रहती है। शुरू में उर्मिला मीना का बहुत ध्यान रखती है और अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार करती है, परंतु दीपक के काम पर चले जाने के बाद उर्मिला मीना से घर के सभी काम करवाया करती है और खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगती है। दीपक शहर में एक टैक्सी ड्राइवर का काम किया करता था और रात के समय ही घर आता था। उर्मिला दीपक के सामने मीना से कुछ नहीं कहती और उसे चुपचाप खाना दे दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुबह सुबह उठकर दीपक अपने काम पर जाता है, परंतु वो देखता है कि उसकी पत्नी उर्मिला सुबह टाइम से उसके लिए खाना नहीं बनाती और वो भूखे पेट ही अपने काम पर निकल जाता है। जब उर्मिला सोकर उठती है तो वो मीना के कमरे में जाती है। क्यों रे मनोज, अभी तक तो सो रही है, तेरी सुबह नहीं हुई क्या अब तक? मीना अपनी सौतेली माँ उर्मिला की आवाज सुनकर जल्दी से उठ जाती है। वो माँ, कल जरा मैं देर से सोई थी इसलिए आज मेरी आँख नहीं खुली। मेरे सामने बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से खड़ी होकर घर के कामों में लग जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? और हाँ, अगली बार से मुझे तुझे सुबह उठाने की जरूरत ना पड़े, चुपचाप जल्दी से उठकर घर के सभी काम खत्म कर दियो। मीना अपनी माँ की बातें सुनकर चुपचाप से अपने कामों में लग जाती है और जल्दी जल्दी काम खत्म करने लगती है कि तभी उर्मिला की आवाज आती है। कहाँ मर गई रे, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, मेरे पेट में 100 चूहे उछल रहे हैं, तुझे खबर भी है कुछ? 10 मिनट के अंदर मुझे खाना तैयार चाहिए, नहीं तो पूरा दिन तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ अभी लाई माँ। मीना डरते हुए अपनी माँ के सामने खाना लेकर आती है और उसे टेबल पर रख देती है। जल्दबाजी में मीना से खाने में मिर्ची थोड़ी ज्यादा हो जाती है और उर्मिला के खाना खाते ही उर्मिला को बहुत तेज मिर्ची लगती है और वो गुस्से में पूरी लाल हो जाती है। मीना की बच्ची, मुझे सब पता है, तूने जानबूझकर खाने में मिर्ची ज्यादा डाली है ना, ताकि ये खाना खाकर मेरी जवान जल जाए, तू मुझे इस दुनिया में चैन से नहीं रहने देगी ना। इतना कहकर उर्मिला मीना को दो थप्पड़ लगा देती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। और इधर मीना चुपचाप से बैठे बैठे रोती रहती है, परंतु वो अपनी माँ की कोई भी शिकायत अपने पिता से नहीं करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दीपक को अपनी दूसरी पत्नी उर्मिला की सारी खबर रहती थी, परंतु वो उर्मिला से कुछ नहीं कहता था। उर्मिला का अत्याचार मीना के ऊपर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और मीना अपने सौतेली माँ का अत्याचार सह रही थी। उर्मिला अपने घर में मालकिन की तरह जी रही थी और मीना को नौकरों की तरह रखती थी। उर्मिला बाजार से अपने लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आती है, परंतु मीना के लिए वो सालों से कुछ नहीं लाई थी। एक दिन मीना अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे कपड़े बहुत छोटे हो गए हैं, क्या आप बाजार से मेरे लिए कोई ढंग के कपड़े ले आएंगी? क्या मेरे पास और कुछ काम नहीं है क्या जो मैं तेरे लिए कपड़े खरीदने जाऊँ? तेरे ये कपड़े मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं और वैसे भी तुझे कौन सा बाहर जाना है, चुपचाप से जो है उसी में रहना सीख ले। मेरे पास मेरे कुछ पुराने कपड़े रखे हैं, मैं तुझे वो लाकर दे देती हूँ, उसी से काम चला। इतना कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है और वो अपने कुछ पुराने कपड़े मीना को लाकर दे देती है। मीना उन कपड़ों को ले लेती है और उन्हें पहनने लगती है। मीना बहुत ही नेक दिल होती है
वो उन कपड़ों में ही खुश हो जाती है। एक दिन उर्मिला किसी काम से बाहर गई होती है और यहाँ मीना घर पर आराम कर रही होती है कि तभी मीना की आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। उर्मिला घर वापस आती है तो वो बाहर गेट पर खड़े खड़े गेट बजा रही होती है, परंतु मीना बहुत ही गहरी नींद में सो रही होती है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। यहाँ बाहर खड़े खड़े उर्मिला की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो गुस्से में मीना के आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद जब मीना की आंख खुलती है तो वो अपने कमरे से बाहर हॉल में जाती है कि तभी वो घड़ी में समय देखती है। फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ बाहर गई हुई थी परंतु अभी तक घर पर लौट कर नहीं आई है। मीना घर का दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसकी माँ उर्मिला तो बाहर गुस्से में बैठी हुई है। दरवाजा खुलते ही उर्मिला जल्दी से खड़ी हो जाती है। उर्मिला को बहुत ही गुस्सा आता है और वो तुरंत मीना के जोरदार दो चाटे लगाती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी मीना अपनी माँ से कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर छोड़कर चली जाती है। मीना भी अपनी सोतेली माँ के अत्याचारों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसे वो घर छोड़ने में कोई भी परेशानी नहीं होती और वो चुपचाप से जंगल की ओर जाने लगती है। मीना को अचानक से अपनी माँ की याद आती है और वो अपने पुराने घर की ओर जाती है। मीना के पुराने घर में उसकी माँ से जुड़ी बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जिन्हें देखकर मीना अपनी माँ को बहुत याद करती है। तभी मीना की नज़र एक बक्से पर जाती है। मीना जल्दी से जाकर वो बक्सा खोलती है, तभी उस बक्से से चमकदार रोशनी निकलती है। थोड़ी देर तक मीना को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही चमक थोड़ी कम होती है तभी मीना को उस बक्से में सोने की सैंडल दिखाई देती है। वो सोने की सैंडल बहुत ही चमकदार होती है, जिन्हें देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है। तभी सैंडल से एक आवाज आती है, मीना मैं जादुई सोने की सैंडल हूँ, मुझे तुम्हारी माँ ने अपने पास संभाल कर रखा था ताकि मैं उनकी बेटी की सहायता कर सकूं। देखो आज वो दिन आ गया। मीना जादुई सैंडल के साथ हंसी खुशी से अपने पुराने घर में रहने लगती है और वो जादुई सैंडल मीना की हर प्रकार से सहायता करती है और मीना को हर मुसीबत से बचाती है। मीना को अब किसी भी चीज की कमी नहीं होती और वो अपना आगे का जीवन जादुई सैंडल के साथ हंसी खुशी से बिताती है।